आज हम एक डिटेल सा वीडियो बनाएंगे और बहुत ही सिंपल सा तरीका बताएंगे कि बंधन बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस, उसका डैशबोर्ड होता कैसा है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और लॉगिन करके बहुत सारी सर्विस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि बंधन बैंक में क्या क्या सर्विस है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे बंधन बैंक में सर्च कर लेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे बंधन बैंक। फिर वहाँ से जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज होम पेज है, जो बंधन बैंक का ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो देखिए, हमें इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड और उसके जो इंटरफेस है वो देखना है कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ही मतलब उत्सुकता होती है कि हम देखें पहले, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के पहले देख लें कि उसमें क्या होता है कैसा होता है। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसका रिव्यू या फिर डमी मोबाइल किसी के पास पहले देख लेते हैं, फिर अच्छा लगता है तो खरीदते हैं। तो इस तरह आप बंधन बैंक का जो डैश व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इस होम बटन पे प्रेस करेंगे तो ये पूरा इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग पे आएगा। देखिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग आएगा, फिर इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। वो थोड़ा प्रोसेस करने लगेगा इसलिए हम काट के पहले से ही यहाँ पे इस जो इंटरनेट बैंकिंग का मेन पेज है उस पे लॉगिन करके पहले से ही रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे और देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। ये बंधन बैंक में एक इशू है कि ये थोड़ा स्लो ही चलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी देखो गूगल ओपन किया और उसके बाद ऑनलाइन SBI अभी ओपन कर रहा हूँ। देखिए SBI ओपन भी हो गया, ये इन लोगों का लॉगिन पेज ओपन भी हो गया, लेकिन बंधन बैंक अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे। तो मेरा यूजर आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैंने अपना यूजर आईडी यहाँ पे लॉगिन किया और उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे डालेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, जो कि हमने इंटरनेट बैंकिंग बनाने के समय ये सारे प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अनुसार हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे। तो हम पासवर्ड अपना डालते हैं, हमने पासवर्ड इंटर किया और उसके बाद लॉगिन पे सिंपल सा है, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये फिर से प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद ये जो है पूरा इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस हमारे सामने खुल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, बंधन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का पूरा इंटरफेस। देखिए यहाँ पे बंधन बैंक का लोगो है, उसके बाद होम पेज है, उसके बाद माई होम है जिसमें अपडेट प्रोफाइल, अगर आपके प्रोफाइल में ईमेल आईडी अपडेट करना है या छोटा छोटा कोई चीज़ हो वो अपडेट करना है तो यहाँ से, फिर या फिर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर सिक्योर एक्सेस, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा सर्विस होता है, उसमें दिया रहता है माई अकाउंट। उसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमने लॉगिन किया है 1:21 गुड आफ्टरनून में, तो यहाँ पे दे रहा है गुड आफ्टरनून प्रकाश कुमार और मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है और लास्ट लॉगिन यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद व्यू लॉगिन करके यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने इंटरनेट बैंकिंग कब कब एक्सेस किया था। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जब हमने लॉगिन किया उससे पहले भी कोई लॉगिन किया हो तो वो यहाँ पर दिखा देगा, तो हम अंदाज लगा देंगे कि कोई दूसरा भी हमारी हमारा जो बंधन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है उसको लॉगिन कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारा छोटा सा प्रोफाइल खुल के आ गया है। और उसके बाद ये माई होम तो आपने देख ही लिया, उसके बाद माई अकाउंट है जिसमें इतनी सारी सर्विस है। देखिए अकाउंट लिस्ट, उसके बाद क्लोज अकाउंट, उसके बाद अकाउंट निक नेम, फिर ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, फिर है अकाउंट स्टेटमेंट, उसके बाद है ओपन डिपॉजिट, उसके बाद डिपॉजिट प्री क्लोजर, उसके बाद FD है, फिर हम यहाँ पर थर्ड वाले में आएंगे फंड ट्रांसफ़र।
फंड ट्रांसफ़र होता है जो मतलब पैसा वैसा कहीं भेजना हो तो है। देखिए ओन अकाउंट यानी कि अपने अकाउंट में, आपके दो अकाउंट है अगर सीसी और सेविंग दो अकाउंट है तो यहाँ पे अपने वाले में से अपने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद क्या है विथविन बैंक, मतलब बैंक में है किसी और दूसरा अकाउंट हो, दूसरा बैंक का नहीं बंधन बैंक का ही अकाउंट हो तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर अदर बैंक, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अदर बैंक। उसके बाद है IMPS या MMID, उसके बाद यहाँ पे है IMPS जो कि पहले बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है और उसके बाद IMPS का सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं पैसा भेजने के लिए। फिर है क्विक पे, क्विक पे यानी कि बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए आप पैसा भेज सकते हैं। फिर क्विक पे लिमिट, इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं हम कितना पैसा भेजें। उसके बाद है ऐड मॉडिफाई बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी जो हम ऐड कर रहे हैं यानी दूसरे बैंक का कोई खाता इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसको फिर से ऐड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है फंड ट्रांसफ़र इंक्वायरी, जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसकी इंक्वायरी इस सर्विस से कर सकते हैं। उसके बाद है SI मेंटेनेंस, इसको हम बाद में बताएंगे। फिर फेवरेट ट्रांजेक्शन, फेवरेट ट्रांजेक्शन है कि अगर उसको सेव कर लेते हैं फेवरेट ट्रांजेक्शन, यानी कि हम किसी को भेज रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है तो उसको सेव कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम जल्दी से फिर उसी को भेज सकते हैं, हमें बार बार उसे सर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है अपडेट ट्रांजेक्शन लिमिट, हम ट्रांजेक्शन का इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी फंड ट्रांसफ़र में इतनी सारी सर्विस होती है। उसके बाद है माई सर्विस, माई सर्विस में क्या है चेक सर्विस, चेक का जितना भी सर्विस है यानी कि स्टॉप या फिर क्लोज या फिर रिक्वेस्ट ये सारी होगी। उसके बाद है डेबिट कार्ड सर्विस, इसमें हम अपना डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिंक आधार, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आधार कार्ड को लिंक करने का सिस्टम दिया हुआ है तो मेरे अकाउंट में ये आधार लिंक नहीं होगा क्योंकि मेरा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आधार लिंक नहीं होता है, सिर्फ सेविंग वाले में ही होता है। फिर ई सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव पे, इसके बारे में भी मैं बाद में आपसे बात करूंगा। फिर मैंडेट कैंसलेशन, ये भी अभी बाद में बताऊंगा। उसके बाद है पे बिल, पे बिल एक अलग से पूरा टैब ही ओपन होगा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और उसमें हम मोबाइल रिचार्ज और बहुत सारी सर्विस होती है यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो ही लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी हिंदी। फिर यहाँ पर हमें एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी हम यही चीज़ देख सकते हैं, ये वाली चीज़ जो कि यहाँ पे दे रहा है वही यहाँ पे भी दिखा रहा है। और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, एक ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद चेंज पासवर्ड हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर इसको लॉग आउट या साइन आउट यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट लिस्ट का एक ऑप्शन दे रहा है जो कि ऊपर मैंने बता दिया। फिर अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर फेवरेट ट्रांजेक्शन जो कि मैंने ऊपर बताया। फिर अबाउट मी यानी कि हमारा जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर विदविन बैंक ट्रांसफ़र जो कि मैंने ऊपर बताया। फिर मतलब वो सारी सर्विस जो कि यहाँ पे है उसी सर्विस को यहाँ पे एक एक आइकन देके और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सजाया गया है जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक में बस इतनी ही सर्विस है, इससे ज़्यादा और भी अभी के डेट में, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, अभी के डेट में ऐसा कुछ भी सर्विस नहीं है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना भी है वो बहुत ही अच्छा सर्विस है, आप इसको अच्छे तरीके से यूज करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बंधन बैंक में तो आप कस्टमर केयर को कॉल किए, वहाँ से बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।